नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। आप लाइव हो मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिकेट न्यूज की, जो कि बहुत ही दिनों बाद आ रहा है मेरे चैनल पे। तो क्रिकेट का बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। 27 और 28 तारीख को आईपीएल ऑक्शन शुरू होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं कोलकाता को बिलोंग करता हूं और कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करता हूं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रोबेबिलिटीज और प्रेडिक्शंस के बारे में, ये ऑक्शन में वो किस प्लेयर्स को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीएम की या रिटेनमेंट की। कोलकाता ने दो प्लेयर्स को रिटेन किया है, सुनील नारीन और आंद्रे रसेल, और उनके पर्स में 59 करोड़ यानी 59 करोड़ बाकी है परचेज के लिए। अब बात करते हैं कुछ रिलीज प्लेयर्स की। केकेआर ने इस साल साकिबुल हसन को रिलीज कर दिया है ओपन ऑप्शन पे, और सुनने में आया कि यूसुफ पठान को भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे टीम में अभी अवेलेबल नहीं है। अगर केकेआर को लगा कि ऑप्शन में उन्हें प्राइस देके फिर से खरीदा जाए तो वो खरीद सकते हैं, या फिर हमें साकिबुल हसन और यूसुफ पठान इस साल अपनी टीम में न दिखने को मिले। अब बात करते हैं हमारे कैप्टन यानी गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने एक इच्छा जाहिर की है कि वो दिल्ली के साथ खेले इस साल, तो अगर उन्हें रिटेन किया जाता है तो वो हमारे टीम के ही कैप्टन रहेंगे, और अगर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है तो वो बन जाएगा हमारे लिए चैलेंज बेसिकली, क्योंकि इंडियन कैप्टन की अवेलेबिलिटी आईपीएल में थोड़ा कम रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मनीष पांडे एक ऐसे प्लेयर है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे कैप्टनशिप कर चुके हैं, तो उन्हें रिटेन करके कैप्टन बनाने का चांसेस हो जाता है एक। और अगर मैं कहूं कि ये नहीं किया जाए तो और कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही अच्छे कप्तान है, और अगर मैं कहूं फिर ऑयन मॉर्गन जैसे प्लेयर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो कि पहले फॉर्मर कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर थे, उन्हें रिवाइव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो वो आ जा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रैंडन मैकुलम जैसे प्लेयर है जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में पहले खेल चुके हैं, वो भी आ जा सकते हैं इस टीम में एज ए कैप्टन। और एक चौथा ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो है फैब डू प्लेसिस। तो अगर हम देखें तो चार ऐसे ऑप्शन हमारे पास है, मनीष पांडे को रिटेन करके लाया जा सकता है, या फिर केन विलियमसन, या फिर तीसरा ऑप्शन है ऑयन मॉर्गन, चौथा ऑप्शन ब्रैंडन मैकुलम, और पांचवा ऑप्शन है फैब डू प्लेसिस। अब हम बात करेंगे विकेट कीपर की। हमारे टीम में रॉबिन उथप्पा एज ए बैट्समैन विकेट कीपर खेलते हैं, और अगर उन्हें इस साल रिटेन न किया जाए, क्योंकि 5 आरटीएम अवेलेबल है और उनमें से 2 हमने यूज कर लिया है सुनील नारीन और आंद्रे रसेल के रूप में, तो अगर उन्हें रिटेन न किया जाए तो हमें विकेट कीपर का ऑप्शन खोजना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन है, और आप उन्हें यूज भी कर सकते हैं एज ए कैप्टन, क्योंकि उन्होंने कैप्टनशिप की हुई है आईपीएल में, तो वो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हमारे पास है संजू सैमसन, और अगर मैं देखूं तो केएल राहुल जैसे बैट्समैन विकेट कीपर हमारे लिए अवेलेबल है, और चौथा जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो है क्विंटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स में सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो है ट्वेन ब्रावो का। अब देखना है कि केकेआर उन पे दाव लगाती है कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है कॉलिन मुनरो और क्रिस वोक्स, जो कि पहले खेल चुके हैं, कॉलिन डी ग्रैंड होम, कार्लोस ब्रैथवेट, और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहूं तो दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या जैसे प्लेयर अवेलेबल है जिन पे बहुत सारे दाव लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। टॉप ऑर्डर बैट्समैन में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहूं तो सबसे बड़ा नाम शिखर धवन, जो कि अवेलेबल है। उसके बाद आता है केएल राहुल, अंबाती रायडू जैसे प्लेयर्स अवेलेबल है ऑप्शन में, और अगर मैं फॉरेन सेटअप पे जाऊं तो हमारे लिए फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल है, एवन लुइस, जोनाथन चार्ल्स जैसे प्लेयर है जो कि वेस्ट इंडीज सेटअप के है, और वेस्ट इंडीज सेटअप का ही अगर हमारा केकेआर का टीम बनता है तो ये सारे प्रोबेबल चांसेस रह सकते हैं हमारे टीम में आने की। अब बात कर लूं बॉलर्स की। बॉलर्स में कलेक्टिवली पेस और स्पिन एक साथ कह देता हूं। स्पिन में कुलदीप यादव को रिटेन किया जा सकता है और हमें हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बॉलिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। इसके अलावा अगर मैं पेस बॉलर्स पे जाऊं तो हमारे पास मोहम्मद शमी जैसे बॉलर अवेलेबल रहेंगे ऑप्शन में, संदीप शर्मा जैसे बॉलर अवेलेबल रहेंगे, और अंडर 19 के प्लेयर्स भी अवेलेबल रहेंगे। और फॉरेन प्लेयर्स की बात करूं तो ट्रेंट बोल्ट, गेल स्टेन जैसे बॉलर अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इस बार बिड लगने वाला है या सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला है मुस्तफिजुर पे, तो वो देखने की बात रहेगी कि उस पर कितना जाता है और केकेआर उस पर दाव लगाती है कि नहीं। अब करने वाला हूं एक विशेष बात। आईपीएल के इतिहास में सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी क्रिस गेल और पिछले साल क्रिस लीन को केकेआर में आप देखना चाहते हो कि नहीं?
और आपके हिसाब से केकेआर में इस साल किन प्लेयर्स को आप देखना चाहते हो, किन प्लेयर्स पर केकेआर को दाव लगाना चाहिए, ये कमेंट कीजिए आप कमेंट सेक्शन।